फिर काम चलेगा आगे, ट्रांसलेशन होगी। 31 व्हाट कंपोनेंट ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस एज ए कैरियर मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन जो है इसका मेन काम है कि ये कैरियर मॉलिक्यूल जिसे बोलते हैं हम, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये करेगी, और ये किसके लिए होगा, ये होती है फॉर चार्ज पार्टिकल और फॉर बल्की और ह्यूज पार्टिकल्स। सो नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स, प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स आर फाउंड इन, अभी मैंने जो जिक्र किया पिछले एमसीक्यू में कि राइबोसोम के जो सब यूनिट्स हैं दे आर फाउंड इन द आउटर पेरिफेरल रीजन ऑफ न्यूक्लियोलस। तो नेक्स्ट वन 33, विच कैन प्रोसीड विदाउट एटीपी। अब एटीपी के अलावा तो यहाँ पे ऑप्शन है एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस। तो बेस्ट आंसर हमारे पास है डेल्टा ऑस्मोसिस, इसके लिए कभी भी एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो होता ही एटीपी की मौजूदगी में, और एंडो एक्सो ये भी एटीपी की मौजूदगी में हो सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नेम ऑफ प्रोसेस एक्सपेलिंग पार्टिकल्स फ्रॉम अ सेल। अब सेल से पार्टिकल्स का बाहर निकलना, इट इज़ नोन एज एक्सोसाइटोसिस। अब एक्स ऑस्मोसिस क्यों नहीं कहा, ये है वाटर का बाहर निकलना। स्पेसिफिकली अगर वाटर का जिक्र हो, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सेल, दैट इज़ नोन एज एक्स ऑस्मोसिस। लेकिन यहाँ पर बाकी तमाम पार्टिकल्स है, दैट्स वाई बेटर आंसर है एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट वन इज स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी अपैरेटस दोनों की जो सिंगल मेम्ब्रेन है उन्हें बोलते हैं सिस्टर्नी। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोडक्शन होती है, क्रिस्टी भी उसकी इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं, स्ट्रोमा नहीं होता, मैट्रिक्स होता है। तो स्ट्रोमा अभी हमने कहा जहाँ पे कैल्वन साइकिल होगा जो कि क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है, उसमें डार्क रिएक्शन होगा, तो डैट इज राइट आंसर चार्ली। 37, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा कैरेक्टर नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ टू मेम्ब्रेन, ये भी ठीक बात है। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ सेलुलर एक्सप्रेशन, ये भी ठीक बात है। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक, नहीं ये ठीक बात नहीं है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में नहीं होता ये। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, ये भी ठीक है। तो 40 इज़ द राइट आंसर हियर कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में नहीं, सिर्फ यूकैरियोट्स में ही होता है। 38 एमसीक्यू स्टूडेंट्स, सेंट्रल फिब्रिलरी रीजन ऑफ न्यूक्लियोलस कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड सीडीएनए। राइबोसोमल आरएनए, सीडीएनए, राइबोसोमल डीएनए, सीडीएनए, प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो डेल्टा इज़ द राइट आंसर। अभी वैसे जैसे पिछले एमसीक्यू में आपको बताया अभी यहाँ पर कि जो सेंट्रल फिब्रिलरी एरिया यहाँ पे राइबोसोमल डीएनए जहाँ से राइबोसोमल आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन्स मिलती हैं, तो इनके मिलने से न्यूक्लियोलस के सेंट्रल एरिया के अंदर राइबोसोम्स तैयार होते हैं। तो डेल्टा इज़ द राइट आंसर। द सिस्टर्नी ऑफ विच सेल आर डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। अब ये जो मसल सेल है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसके अंदर, मसल सेल के अंदर। तो मसल सेल के अंदर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको नाम दिया हुआ है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो टी ट्यूब्यूल फॉर्म करेंगे और वो नर्व इंपल्स वहाँ पर कंडक्शन करेंगे उसकी। 40 एमसीक्यू, इट कन्वर्ट्स फैटी एसिड इनटू सक्सिनेट। फैटी एसिड को सक्सिनेट में कन्वर्ट करना किसका काम है, तो ये काम है ग्लाइक्सोसोम का। किस प्रोसेस से, ग्लाइक्सोलेट साइकिल से। कहाँ पर, प्लांट के सीड्स में, वो सीड जिनमें लिपिड की मिकदार ज़्यादा है। नेक्स्ट वन इज सेक्युलस इज टर्म यूज्ड फॉर, इट इज़ टर्म यूज्ड फॉर सेल वॉल ओनली। और किसकी सेल वॉल, प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है उसे बोलते हैं सेक्युलस, विच इज़ मेड अप ऑफ म्यूनिन और पेप्टाइडोग्लाइकिन। 42 एमसीक्यू स्टूडेंट्स, एसिड फॉस्फेटेज एंड अदर हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम्स आर फाउंड इन। अब ये इन्जाइम जो हैं दे आर फाउंड इन लाइसोसोम्स। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री, उसके अंदर आलमोस्ट 40 टाइप्स के इन्जाइम होते हैं, और ये इन्जाइम्स आपकी बुक में मेंशन है। नेक्स्ट एमसीक्यू, पेरोक्सिसोम्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम, सो दे वर डिस्कवर्ड फ्रॉम लीवर सेल्स। किसने डिस्कवर किया, डी ड्यूवे ने डिस्कवर किया। साइक्लोसिस अकर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, इट अकर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स बीटा। साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इट इज़ ड्यू टू माइक्रोफिलामेंट्स। जर्म सेल्स ऑफ ड्रोसोफिला हैव क्रोमोसोम। अब जर्म सेल, अब देखिए ड्रोसोफिला के अंदर 8 क्रोमोसोम्स हैं, अगर आप 8 लगाएंगे गलत होगा। जर्म सेल विच आर सेक्स सेल, जो कि स्पर्म एग्स हैं, गेमीट्स पर, गेमीट्स हैं जिनसे नई जनरेशन बनती है। तो दे हैव
हैप्लॉइड क्रोमोसोम बिकॉज दीज सेल्स आर फॉर्म बाय द मियोसिस. तो मियोसिस का काम है कि वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे. तो 4 इज द राइट आंसर बीटा. विच वन इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग. मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो है, देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए है. तो ये दोनों पर दोनों ऑर्गेनल सेल्फ रेप्लिकेटिंग है. यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है तो अल्फा इज द राइट आंसर. अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता और बोथ की ऑप्शन होती तो दैट वुड बी द बेटर आंसर. नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स, दे एक्ट एज सेल आइडेंटिटी मार्कर्स. अब सेल आइडेंटिटी मार्कर्स जो हैं ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल की सरफेस पे रिसेप्टर बनाते हैं जिससे हम सेल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबसेंट इन प्रोकैरियोट्स. अब कौन सी चीज़ प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, दैट इज़ माइटोसिस. बाकी बायोनिफिकेशन भी होगी, सेल डिवीजन, डीएनए की रेप्लिकेशन भी होगी, लेकिन माइटोसिस नहीं होती. माइटोसिस अकर्स इन यूकेरियोट्स. सो नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स कंटेन्स द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए. तो सबसे ज़्यादा जो आरएनए है इट इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियोलस, चूँकि वहाँ पर राइबोसोमल आरएनए है तो वो वैसे ही 80% है सेल के अंदर, और ज़्यादा फॉर्मेशन न्यूक्लियस में ही हो रही है राइबोसोमल आरएनए की, तो वहीं पर इसकी मकदार सबसे ज़्यादा होगी इन दी न्यूक्लियोलस. नेक्स्ट टाइम सी, द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ इज नॉन एज सेल बीटा. इन माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल नो ब्लैक स्ट्रक्चर, स्मॉल नो ब्लैक स्ट्रक्चर कॉल्ड F1 पार्टिकल आर फाउंड इन, दे आर फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन बीटा इज राइट आंसर. 52. Which one of the following is the site of oxidative phosphorylation in mitochondria? अब oxidative phosphorylation ये basically हम बोलते हैं ETC को, electron transport chain, जो कहाँ पर होती है, जो F1 particle में है. अब F1 particle में नहीं है तो आप देखें F1 particle कहाँ पर था, क्रिस्टी पर. तो यहाँ पर क्लोज आंसर हमारे पास है एंड दैट इज़ क्रिस्टी अल्फा. 53 स्टूडेंट्स, आंसर जो है 53 जो MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस एन ऑर्गेनेल विद इट्स फंक्शन. तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है फोटोसिंथेसिस, नहीं ये काम नहीं है. न्यूक्लियस रेस्पिरेशन नहीं करता. सेंट्रल वैक्यूल स्टोरेज करता है. राइबोसोम मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड नहीं करता. तो 40 इज द राइट आंसर. सो आफ्टर स्पेशल प्रोसेसिंग द डैश इज रप्चर्ड एंड F1 पार्टिकल कम आउट ऑन सरफेस. तो ये है जी इनर मेम्ब्रेन अल्फा. 55 प्रोटीन सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम आर पुश्ड इनटू चैनल्स ऑफ, सो दे आर पुश्ड इनटू चैनल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर वहाँ से वो जाएंगी गॉल्जी अपैरेटस में, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी. तो ये टेक्स्ट बुक फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 पेज 55 पर एक ब्लू सी डायग्राम है सेकेंड वाली, उसको आप वो से देखिएगा, पढ़िएगा, वहीं पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा. 56 आंसर, ब्लब्स फ्रॉम टिप्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद गॉल्जी अपैरेटस सिस्टर्नी एट. अब ये कहाँ जाएंगे, तो दे विल मूव टुवर्ड द फॉर्मिंग फेज. मैंने कहा था कोई भी चीज़ गॉल्जी अपैरेटस में फॉर्मिंग फेज के अंदर एंटर होगी और वो कनकेव फेज में जो फेज से निकलेगी, तो दैट इज फॉर्मिंग फेज. नेक्स्ट MCQ, सब्सटेंस ओनली कैन बी अकोमोलेटेड अगेंस्ट इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन. इनके फॉर्म लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ATP के, तो ये सारा काम होगा. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कंसर्न्ड विद द सेल सेक्रेशन. सेक्रेशन का काम है गॉल्जी अपैरेटस का. गॉल्जी अपैरेटस इज राइट आंसर. नेक्स्ट MCQ, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टी. नेक्स्ट वन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. 40 इज राइट आंसर. 61, ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल. ऑर्गेनेल जो तमाम सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा वो हमारे पास न्यूक्लियस. तो 40 इज राइट आंसर. How many triplets of microtubules are present in centriole? How many triplets of microtubule are present in centriole? तो ये अगेन बुक की लाइन है. तो 9 ट्रिपलेट हैं microtubule के जो एक सेंट्रियोल में होते हैं. पेयर ऑफ सेंट्रियोल होगा तो
18 ट्रिपलेट हो जाएंगे। तो आपने अल्फाज को पढ़ना, अगर यहाँ पर लिखा हो पेयर ऑफ सेंट्रियोल तो फिर हम कहेंगे 18। नेक्स्ट एम सी क्यू, द रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटीरियल थ्रू कैरियर प्रोटीन्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी हम जिक्र पहले भी पिछले एम सी क्यू में किया कि अगर कोई कैरियर प्रोटीन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करेगी अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन तो वो उसे बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये क्यों होगी? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं या वो चार्ज होंगे या वो बल्कि पार्टिकल्स हैं जिनको मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में दिक्कत है, तो फिर प्रोटीन्स ये काम आसान कर देंगे। सो नेक्स्ट एमसीक्यू, सेंट्रियोल इज़ मेड अप ऑफ, सेंट्रियोल इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन, बिकॉज सेंट्रियोल इज़ मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन नॉन एज ट्यूबुलिन। सो नेक्स्ट एमसीक्यू, क्रोमोसोम इज कम्पोज ऑफ डैश एंड डैश, डी एन ए एंड प्रोटीन, 40% डीएनए होता है और 60% प्रोटीन होती है। प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन, जो कि पॉजिटिव प्रोटीन है, जिसके क्यों ये है? बिकॉज उसमें आर्जिनिन और लाइसिन की मकदार ज़्यादा है जिसके अमीनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट गेन एंट्री इनटू सेल इज इनगल्फ बाय, इट इज़ इनगल्फ बाय लाइसोसोम, इसका काम है किसी भी फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करके फैगोसाइटोसिस से डिस्ट्रॉय कर देना। द डैश सेल्स हैव लिमिटेड नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनेल, तो ये हमारे पास है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक प्लांट एनिमल। अब प्लांट और एनिमल दोनों के दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं, तो आंसर बच गया हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कम होते हैं, होते नहीं बल्कि। बीटा इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली फॉर्म, सो ये अगेन जो अपना टॉपिक है चैप्टर 4 का साइटोप्लाज्म, ये वहाँ से एमसीक्यू लिया गया है। प्रोटोप्लाज्म इन दोनों को बोलते हैं। एक्चुअली द लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल इज टर्म्ड एज प्रोटोप्लाज्म, उसमें दो बातें लिखी हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट एमसीक्यू, डैश एंड को वर्कर्स आइसोलेटेड पेरोक्सिसोम फ्रॉम लिवर सेल, तो ये काम किया डी ड्यूबे ने, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, पैलेडे ने डिस्कवर किए राइबोसोम्स, लॉरेंस ओकेंस इसने जो है वो सेल की डिस्कवरी के अंदर, सेल के स्ट्रक्चर्स की डिस्कवरी के अंदर काम किया। सो नेक्स्ट एमसीक्यू, लाइसोसोम्स वर आइसोलेटेड एंड स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अगेन डी ड्यूबे, लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम दीज वर डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूबे। टे सेल डिजीज रिजल्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, अब दो डिजीज मेंशन है ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ लाइसोसोम्स, एक टेसैक जिसमें लिपिड्स डाइजेस्ट नहीं हो पाते बिकॉज लाइसोसोम के पास एंजाइम नहीं होते लिपिड्स को डिसॉल्व करने के लिए, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। और दूसरी डिजीज़ है ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2, इसके अंदर एंजाइम्स फॉर डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग द कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्सेंट, तो ये दो डिजीज बुक में मेंशन है, इनको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। नेक्स्ट वन, इन प्रोकैरियोटिक सेल वॉल स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इज, तो यहाँ पर जो मटेरियल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, यहाँ उसे बोलते हैं म्यूजीन। काइटन जो है वो कहाँ पे होता है? वो होता है फंजाई के अंदर या एनिमल्स के एक्सोस्केलेटन में होता है। लिग्निन जो है ये एक्चुअली सेल वॉल जो प्लांट्स की है उसकी जो सेकेंडरी वॉल उसमें होता है। क्यूटीन जो है वो लीफ की आउटर कवरिंग के अंदर होता है। Which of the following is found in eukaryotes but not in prokaryotes? कौन सी चीज़ eukaryotes में है लेकिन prokaryotes में नहीं है? तो ribosomal RNA, plasma membrane, nuclear membrane, क्योंकि nucleus नहीं होता तो nuclear membrane भी prokaryotes में नहीं होगी, बाकी सारा कुछ होता है prokaryotes में भी। 74, dear students, lesser cells that are involved in active transport such as cells of intestinal epithelium implies large quantity of ATP in such cell. अब जिनको ATP ज़्यादा मकदार में चाहिए उनके अंदर ATP की प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे, सो दे मस्ट हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रिया। 75, which of the following is correct association? ऑप्शन अल्फा जो है माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये इनका काम नहीं है। लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये ठीक है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिलेक्टिव बैरियर, ये भी ठीक नहीं है। राइबोसोम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी ठीक नहीं। तो बीटा इज राइट आंसर कि जो सही पेयर हुआ है, जो ऑर्गन अपना काम कर रहा है उस पेयर को आपने चूज़ करना है, तो यहाँ पे बीटा इज राइट आंसर है। बेटा अगर आपको जैसे हमने बीटा पढ़ा हमें आंसर मिल गया, तो हमने स्टूडेंट्स उसी को आंसर मार्क नहीं करना, आपने लाजमी तौर पे चारों ऑप्शन पढ़नी है। मे बी अगले भी कोई आंसर हो एंड पे बोथ ऑफ डीज की ऑप्शन हो, तो यू मस्ट लर्न ऑल दीज टैक्टिक्स कि आपने स्टेटमेंट को समझना है और आपने फिर चारों ऑप्शन पढ़नी है, तहम्मुल से काम करना है। बहुत ईजी पेपर होगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट MCQ, माइक्रोट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ हेलिकली स्ट्रैक्ड मालिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन। अब कौन सी प्रोटीन है, तो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर देयर इज ट्यूबुलिन। नेक्स्ट MCQ, SER इज अबंडेंट इन सेल्स दैट आर इन्वॉल्व इन, तो वो सेल्स जो कि लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं वहाँ पे SER भी ज़्यादा होगा, बिकॉज इनका काम है लिपिड को मेटाबोलाइज करना, दे हैव एंजाइम्स फॉर लिपिड मेटाबोलिज्म। 78, द डोर टू योर हाउस इज लाइक डैश ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये है, हम अपने दरवाजे से घर को पहचानते हैं, तो यहाँ पर रिकग्निशन प्रोटीन जो से हमने पहले भी MCQ किया था, आइडेंटिटी मार्कर्स, तो ये उसी तरह का एक सिलसिला है। रिकग्निशन प्रोटीन्स होती हैं जो रिसेप्टर फॉर्म करती हैं, एक सेल को दूसरे सेल से डिफर कर देंगी, हम इन्हीं से ही सेल को पहचानते हैं। सेकेंड लास्ट MCQ है, सोडियम आइंस आर पम्प्ड फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन इन द नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लोअर से हायर पे जाना। हालांकि इसने यहाँ पर ATP का जिक्र नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि जब भी लोअर से हायर जाना हो ATP की फॉर्म में एनर्जी यूज होती है, तो इट इज़ नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लास्ट MCQ, डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ a mesh of interconnected membranes that serve as a function involving protein synthesis and transport. अब ये तो protein synthesis and transport का जो काम है वो काम है हमारे पास endoplasmic reticulum का, because rough endoplasmic reticulum are involved in protein synthesis and they also transport proteins. तो dear students, ये हमारा आज का क्रैश टेस्ट का ये पहला टेस्ट था, जो आपका क्रैश टेस्ट का स्केड्यूल आपको मिल चुका है, उसके मुताबिक आपने ये टेस्ट सॉल्व किया। अब आप इसमें से अपनी मिस्टेक्स को देखें, और मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप एक MCQ करें तो उसके साथ जो चार ऑप्शंस हैं लाजमी तौर पे, जो आंसर के अलावा आपके पास तीन ऑप्शन बचे हैं, पढ़ें उन्हें, अंडरस्टैंड करें और अपनी मिस्टेक्स को काउंट करें और ट्राई करें कि ये मिस्टेक्स नेक्स्ट टाइम ना हो। अपना बेटा बहुत सा ख्याल रखिएगा और कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।